मिनी ट्रैक्टर पुलिंग शुगर केन लोड। राजेंद्रनाथ बनर्जी एक बड़ा बिजनेसमैन था। उनको बहुत सारे व्यापार थे। उस शहर में वो रहने वाला एक बड़ा सा बंगला के अलावा उनका दादा का निर्माण किया गया एक बड़ा सा गेस्ट हाउस पैराडाइज हिल्स में था। बहुत साल से वो खाली पड़ा था, इसलिए अब एक भूत बंगला जैसा बदल गया। एक दिन उसका बचपन का दोस्त भूषण पंचोली अचानक से आकर, क्या रे राजेंद्र, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं भूषण हूँ। स्कूल का पढ़ाई खत्म होने के बाद तब से पढ़ाई छोड़कर सिंगापुर जाने वाला एक छोटा सा व्यापारी के साथ शिप में सिंगापुर चला गया। अब तक 30 साल गुजर गए, इसलिए तुम मुझे कैसे पहचान सकोगे? तुम भी 50 साल का बूढ़े हो गए हो ना? कहा। तब राजेंद्र का चेहरा चमकने लगा और भूषण को जप्पी देकर, अरे भूषण, सच में तुम हो? सुनो मनोरमा, मैं तुम्हें कभी कभी कहता था ना भूषण के बारे में, याद है? मेरा बचपन का दोस्त स्कूल में बहुत शरारत करता था। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स में छुपाया पैसों को आसानी से चुराता था। जब मैं घबराता था तब ये हंसते हुए वापस देता था। ऐसे खुशी से कहा। तब मनोरमा भी हंसते हुए, ऐसे बातों से ही बिताएंगे क्या? नाश्ता खाया कि नहीं पूछोगे नहीं? बोली। तब भूषण, नाश्ता छोड़ो भाभी, अब सीधा दोपहर का खाना खाता हूँ। सिंगापुर से आया हूँ ना, राजेंद्र से मुश्किल और सुकून के बातें करना है ना, कुछ दिनों तक मैं इधर ही रुकता हूँ। कहा। तब राजेंद्र बहुत खुश हुआ। दोनों आराम से बैठ गए थे। तब भूषण, मैं सिंगापुर से हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ यार, उधर तो कुछ भी नहीं कमा पाया, इधर तुम बड़ा सा बिजनेसमैन बन गए हो कहकर पता चला, अब तुम ही मुझे एक नौकरी दिलाओगे तो? कह रहा था तब राजेंद्र, लेकिन तुम्हारे बीवी और बच्चे कहाँ है? पूछा। तब भूषण, शादी नहीं किया है यार, मैं अकेला ही हूँ, बैचलर। कहा। तब राजेंद्र, तुमको कौन सा नौकरी दे सकूंगा, थोड़ा सोच कर बताता हूँ। इतने में तुम ड्राइवर के साथ जाकर हमारे गांव में घूम कर आओ, तब से लेकर अब तक कितना विकास हुआ है देख कर आओ। कहा। ऐसे भूषण कार में गांव भर घूम कर आया। बाद में भूषण, पूरा गांव को देखा हूँ यार, ये तो एक बड़ा सा शहर जैसा बदल गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दादाजी ने जो बनवाए थे वो बड़ा सा गेस्ट हाउस वही पैराडाइज हिल पर है ना, ऐसा पुराना हवेली जैसा क्यों हो गया? उसका चमक पूरा चला गया है क्यों? उसमें एक मिनी शुगर फैक्ट्री लगाएंगे तो उसका पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अफकोर्स मुझे तो सिंगापुर में शुगर फैक्ट्री में मैनेजर जैसा काम करने का बहुत अनुभव है। मैं तो ऐसे ही इतना बड़ा सा बंगला ऐसा खाली क्यों पड़ा रहना है कहकर एक विचार दिया है बस। कहा। तब राजेंद्र बहुत उत्सुक होकर, अरे वाह, बहुत बढ़िया सलाह दिए हो यार, ऐसे ही करते हैं। कहा। वही गांव में शिवा कहकर एक नौजवान पढ़ाई बीच में छोड़कर उधार करके एक मिनी ट्रैक्टर खरीदकर गांव में व्यापारियों का सामान का परिवहन करते हुए कुछ न कुछ कमा रहा था, लेकिन उसका उधार किए पैसों का ब्याज भरना हर महीना बहुत मुश्किल होने लगा। इसलिए उसकी माँ राजेंद्र के बंगला में रसोईया जैसा काम करने लगी और महीने में कुछ तो कमाने लगी। वो औरत मनोरमा को उसका बेटे के बारे में कहकर पैराडाइज हिल्स में फैक्ट्री लगाने के बाद गन्ने को फैक्ट्री तक पहुँचाने के लिए और ऐसे ही शुगर का थैलियों को मार्केट तक ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट शिवा को मिले जैसे किया। ऐसे भूषण का निर्देशन में पैराडाइज हिल्स का बंगला में मिनी शुगर फैक्ट्री शुरू होकर बहुत व्यस्त बन गया। एक दिन शिवा खेत में से शुगर केन का लोड उसका मिनी ट्रैक्टर में लगाकर फैक्ट्री का पहाड़ चढ़ते समय वो ट्रैक्टर उस लोड को बहुत मुश्किल से और धीरे से खींचने लगी। तब शिवा, ये क्या है, हर रोज तो यही वजन का शुगर केन लोड से आसानी से इस पहाड़ चढ़ने वाली मेरी मिनी ट्रैक्टर अब इतना क्यों मुश्किल से खींच रही है? फर्स्ट गियर में भी थोड़ा भी स्पीड नहीं चल रही है, क्या हुआ होगा? शायद इंजन रीबोर करने का समय आ गया है, सोचकर आखिरकार उस लोड को फैक्ट्री तक पहुंचाया। शिवा के लिए इंतजार करने वाला भूषण का आदमी शिवा से, शिवा तुम जाकर चाय पी कर आओ, ये लोड मैं उतरवाता हूँ। कहा। तब शिवा, थैंक यू सर, कहकर कैंटीन में चला गया। तब वो आदमी गन्ने का लोड को बगल में हटाकर बड़ा सा दो भारी सूटकेस को बहुत मुश्किल से अंदर लेकर चला गया। शिवा चाय पीकर आने तक शुगर का थैलियों का लोड से मिनी ट्रैक्टर तैयार था। भूषण का आदमी, शिवा ये लोड को मार्केट में किरण नायक कहकर एक आदमी को डिलीवरी करो, फिर तुम जाके नाश्ता करके आने तक किरण लोड को उतार देगा। कहा। शिवा,
ये नया आदमी किरण कौन है सर? पूछा। तब वो आदमी थोड़ा गुस्सा होकर, वो सब तुम्हें क्यों? तुम केवल ट्रैक्टर के ड्राइवर हो, तुम्हारा काम बस लोड को लाना है और जाकर डिलीवरी करके आना है, बस। ज्यादा सवाल मत पूछो, ऐसे महीने में 4-5 बार हेवी लोड रहता है, इसलिए चुपचाप तुमको जो काम दिया वो सही से करो और तुम्हारा वेतन के साथ 50,000 ज्यादा ले लो, कहा। कुछ दिनों के बाद शिवा की माँ शिवा से, क्या हो गया है तुम्हें शिवा? 2 महीने से ऐसे हवा में देखते हुए कुछ ख्यालों में पड़े रहते हो और हमारे दुनिया में नहीं रहते हो, क्या हुआ है? पूछी। तब शिवा उसकी माँ से, माँ हमारा राजेंद्र साहब को उसका दोस्त भूषण कुछ तो धोखा कर रहा है कहकर मुझे लग रहा है माँ, मैंने चुपके से देखा था, हमारा मिनी ट्रैक्टर में घन्ने का लोड कभी कभी बहुत भारी हो जाता है, तब भूषण का आदमी घन्ने का लोड के नीचे से बहुत भारी भारी सूटकेसों को चुपके से अंदर लेकर जाना मैंने देखा है, उनमें पैसों का नोट है कहकर मुझे शक हो रहा है, ऐसे ही मार्केट में ले जाने वाले चीनी के थैलियों के साथ कुछ छोटे से पोटली भी थे, परसों को उस छोटे से पोटली में से थोड़ा सा सफेद रंग का पाउडर गिरा है, वो क्या है जानने के लिए मैंने उंगली पर लगाकर देख रहा था, तभी किरण कहकर भूषण का आदमी आकर उसे निकाल कर मुझे बहुत डांटा, ये सब देखने से मालिक का फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है कहकर मुझे समझ में आया, कहा। तब उसका माँ, मुझे भी शक हो रहा है, ये सब मैं मनोरमा मार्किन को कहती हूँ, उनका नमक खा रहे हैं हम, हमें क्यों कहकर चुप नहीं रहना चाहिए, बोली। एक दिन पुलिस आकर भूषण को और उनका आदमियों को अरेस्ट किए, तब इंस्पेक्टर, राजेंद्र साहब बचपन का दोस्त है कहकर आपने इस भूषण को सहारा दिया, ये फ्रॉड आपका फैक्ट्री को इस्तेमाल करके ड्रग्स का धंधा शुरू किया, सिंगापुर में ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, अब से किसी के ऊपर विश्वास करके उनको काम सौंपने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है सर, आप बड़ा सा बिजनेस मैग्नेट हो, आपको कहने की जरूरी नहीं है, फिर भी मैं अपना ड्यूटी निभाने के लिए आपसे कहा, आपका मिनी ट्रैक्टर ड्राइवर शिवा और उनका माँ का कहने के वजह से इस क्रिमिनल भूषण को अरेस्ट कर सके, हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से उनको इनाम भी मिलेगा, कहा।